हमारी कैब आ गई है, हमने मिनी वैन टाइप की मंगवाई है बिकॉज हम लोग थोड़े ज़्यादा लोग थे। जो पहली जगह हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, दैट इज़ शैम्बुला स्की रिजॉर्ट। काफ़ी फेमस है अगर आप अलमाटी आते हो। मेन सिटी से अराउंड 40 मिनट की दूरी पे है, एंड चल के देखते हैं कैसा होगा। ओके, तो हम लोग पहुंच गए हैं और यार इतना सुंदर हो रहा है, पूरा रास्ता बहुत सुंदर था। यहाँ पे भी कलर्स देखो। अच्छा एक चीज़ है, जब भी अपनी टैक्सी बुक करोगे यहाँ के लिए, इलेक्ट्रिक करना, बिकॉज इलेक्ट्रिक वाली पूरी ऊपर तक जा पाएगी, जिसमें हम आए ये ऊपर तक नहीं गई, तो हम लोग यहीं नीचे उतर गए। अब हम ट्रॉली लेके ऊपर जाएंगे, बट सुंदर बहुत हो रहा है। सो यार दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू विजिट, क्योंकि अक्टूबर में कलर्स बहुत प्यारे होते हैं पूरे रास्ते में, येलो ऑरेंज रेड ग्रीन, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। ओके, तो हम लोगों ने टिकट्स ले ली हैं अपनी, रिटर्न टिकट हम लोगों को पड़ी है 4000 टिंगे की, विच इज़ रफली 800 रुपीज़। एंड ये हमारी कौन सी वाली है, वो बिना ग्लास वाली? नहीं, नॉर्मल है। बिना ग्लास वाली ट्रॉली बंद है आज, कांट हेल्प मच, बट 20 मिनट लेंगे आपको ऊपर जाने में, 20 मिनट नीचे। मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो कितना लंबा है ये? 20 मिनट वन साइड, 20 मिनट नहीं है, बस 15 मिनट तुमने दिया था पहुंच गए हैं। सच में यार राइड बहुत अच्छी थी, क्या व्यूज़ थे, ऑटम कलर्स वर रियली नाइस। और ऊपर आके कलर्स इतने नहीं है, थोड़ा ऊपर आके ऐसे टूरिस्टी वाला वाइब है, ऊपर ऐसे ग्राउंड है खुला ये रहा, और यहाँ पे पूरा मॉल वॉल टाइप का भी बना हुआ, यू कैन गेट योर कॉफ़ी, खाने पीने का सब कुछ मिल जाएगा इजीली। और थोड़ा चलते हैं इधर उधर चल के देखेंगे, पहले कॉफ़ी लेंगे और उसके बाद चलते हैं। यहाँ पे मौसम ठंडा हो रहा है, लाइक ठंडा ठंडा हो रहा है, मतलब दिस इज़ नॉट इनाफ, मुझे एक जैकेट की नीड फील हो रही है, बट ठीक है मेरे पास है नहीं अभी, पर काफ़ी सही यार, लाइक आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने सोचा नहीं था कि इतना सुंदर होगा स्पॉट की जगह। यहाँ पे भी आप यहाँ के लोकल आउटफिट पहन के देख सकते हैं, मैं पहन के तो नहीं देखूँगी पर आउटफिट दिखा देती हूँ। So it's actually a giant swing, not a zip line. Yeah, I think it's 2000? 2000. Oh, okay, okay. I thought it's a zip line. Zip line is closer. Oh, okay. Only the bungee jumping. Oh, bungee jumping is also there. The stairs. Okay. Oh, they've closed it. So, zip line nahi hai, bungee jump hai. Zip line bhi hai, but abhi band hai. Aur ye swing pe to, khair, kya hi jana? तो चलते हैं वापस। बाय द वे अगर आपको स्विंग पे जाना हो तो इसका कॉस्ट है 2000 टिंगे। जल्दी आना, हम लोग काफ़ी लेट पहुंचे थे, अगर आप जल्दी आते तो आप और ऊपर भी एक ट्रॉली लेके जा सकते हो। तो ट्राई टू कम हियर बाय 2:33 और फिर सही रहेगा। तो यार मैं ना तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, ऊपर जाके ना कलर्स इतने प्यारे नहीं दिख रहे थे, तो तुम आते हो ना अगर तो यहाँ
वहाँ पे भी खिंचवाने की जगह, तुम लोग क्रॉस रोड क्रॉस करके इस साइड पे आ जाना, और यहाँ से पीछे जो व्यू दिख रहा है यार, क्या प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ आई हैं। नीचे रिवर बह रही है, ऊपर पूरा बैकड्रॉप बढ़िया सा दिख रहा है। सो अगर आपको फ़ोटोज़ खिंचवाने का शौक़ है, इस पॉइंट पर आके खिंचवाना। तो यहाँ पे इंग्लिश हार्डली किसी को समझ आएगी, तो आप लोग गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो, वो ईजिली मतलब यू कैन टॉक उसके थ्रू। तो हम लोगों को मार्केट जाना था, बट वो बता रहे हैं कि मार्केट सभी बंद है, तो हम लोग किसी एक मॉल में जा रहे हैं, चल के देखते हैं कैसे। ओके, तो अभी हम लोग आ रखे हैं, क्या नाम है मॉल का? असेंशिया। तो सही है, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया। रिट्ज़ कार्ल्टन बगल में ही है, एंड थोड़ा सा घूमते हैं यहाँ का मॉल वगैरह। तीनों काफ़ी सरप्राइज्ड हैं देख के कि दे हैव सच गुड मॉल्स इन एवरी ब्रांड दैट यू कैन थिंक ऑफ। यहाँ पर आपको सारे लग्जरी ब्रांड्स मिल जाएंगे, क्वाइट इम्प्रेसिव। कि मेरे को जूते बड़े पसंद आए यहाँ पे, कॉस्ट पूछते हैं, आई नो मैं लूँगी नहीं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू गेट एन आइडिया कि यहाँ पे क्या कॉस्ट। ये जूते पसंद आए थे मुझे, ये वाले, और ये है कुछ 1,30,000 रुपये के, बिल्कुल जैसे वापस 1,30,000 के जूते पसंद आए मेरे को। तो यार ये बेच देते हैं, लिवर बेच देते हैं। हेलो, क्या सोचे ओके जी, तो आज हम लोग निकल रहे हैं हमारी सेकंड डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए, नॉट डेस्टिनेशन मतलब अलमाटी में जो हम सेकंड लोकेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं, विच इज़ बिग अलमाटी लेक। अब यहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, तो रास्ते में जाते हुए बताएंगे आपको कैसे कैसे हम नेविगेट कर रहे हैं। अभी हम लोग पहले जा रहे हैं थोड़ा सा पैसे कन्वर्ट कराने के लिए, और फिर निकलेंगे आगे। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे कन्वर्ट कराने के लिए, इस जगह का नाम है लिम्पोपो एक्सचेंज, नाम डाल दूँगी मेरा वैसे, और भाई USD कन्वर्ट करा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या रेट मिलता है। एयरपोर्ट पे तो मैंने आपको बताया था हमें 100 USD का 46,800 टिंगे मिला। अच्छा जी, तो बाहर काफ़ी अच्छा रेट मिला है, बाहर हमें मिला है ऑलमोस्ट जो गूगल पे दिख रहा है 100 USD का 47,700 टिंगे मिला, सो विच इज़ लाइक रियली गुड। तो आप एयरपोर्ट पे इसीलिए ज़्यादा मत कन्वर्ट कराना, बाहर आके कराना। बेस पॉइंट, अच्छा तो जो बेस पॉइंट है वो मेन अलमाटी सिटी से कुछ 1 घंटा दूर है, एंड अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, तो हम लोग अभी बस रुके हैं यहाँ पे। इट्स वे US लाइक स्ट्रक्चर कि यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से मार्ट्स हैं, सो ऑन द वे दिस इज मार्ट, थोड़ा बहुत कुछ खाने का सामान लेंगे, देखते हैं वेज में क्या मिलता है, टू बी ब्रेड और कुछ कॉफ़ी वगैरह लेंगे। जी, तो यहाँ पे आके सीन कैसा है कि हमें थोड़ा सा लेट हो गया, एंड इट्स 1:30 ऑलरेडी, और जो बाकी लोग हैं वो ट्रैक नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ पे आप 4x4 लेके पूरा ऊपर तक भी जा सकते हो। और जिस 4x4 वाले से हमने बात करी थी, उसने हमें इनिशियली बोला था पहले 27,000 टिंगे, एंड नाउ ही सेइंग 50,000 टिंगे, विच इज़ रफली लाइक 10,000, जो बहुत ज़्यादा है ऊपर तक जाने के लिए। सो आई वुड लव टू
वॉक एंड ट्रैक पर बाकी लोग रेडी नहीं है, सो आई थिंक मेरे को फिर से प्लान करके आना पड़ेगा। तो यार हम लोग पूरा अभी ऊपर तो नहीं जा रहे हैं जैसे मैंने बताया आपको, बट वी जस्ट वॉकिंग एंड लुक एट द व्यू, दिस इज सो ब्यूटिफुल। इट रिमाइंडेड मी ऑफ द टाइम जब मैंने स्पीति किया था इसी टाइम पे। तो हम लोग बस वापस ही जा रहे थे, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कॉफ़ी लेते हैं, यहाँ पे एक अच्छा सा कॉफ़ी शॉप है, जस्ट हेडिंग देयर नाउ। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है जैसा US में नेशनल पार्क्स में है, इट्स वेरी सिमिलर। यहाँ पे कोई भी स्टाफ इंग्लिश नहीं बोलता है, सो वी हैव नेक इज अ लोकल, तो ये ट्रांसलेट करा, बट मेन्यू हमारे पास दोनों लैंग्वेज में है। That's how this cafe looks from outside. और अंदर से भी काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड था। We have ordered one caramel cappuccino and one hazelnut. देखते हैं आती है तो यार मेरे को तो इस कंट्री से सब प्यार जैसा हो गया, इट इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल एंड हर जगह की पास भी है, ज़्यादा दूर नहीं है।